हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। जैसे कि दोस्तों, आज सीटेट का एग्ज़ाम था और दोस्तों उसकी हम लेके आए हैं आंसर की, जो 100% एक्यूरेट है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो है हमारा, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन जो रहेगा वो ए रहेगा, बिम्बिसार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से था। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन जो रहेगा वो ए रहेगा हमारा, अहिंसा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा सदस्यों को चुनाव करता है। तो दोस्तों राज्यसभा का जो चुनाव करता है उसका राइट ऑप्शन हमारा बी रहेगा, विधायक, विधानसभा के सदस्य जो है वो उस राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था। तो दोस्तों 34 का राइट ऑप्शन हमारा बी रहेगा, संसदीय और संघीय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, अनुसूचित जातियों के कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन डी रहेगा, 84। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में असदस्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया। तो राइट ऑप्शन दोस्तों इसका सी रहेगा, समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो 37 का दोस्तों राइट ऑप्शन जो रहेगा वो बी रहेगा, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। तो राइट ऑप्शन 38 का दोस्तों ए रहेगा, जाति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, राइट ऑप्शन ए, राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। तो राज्यपाल को दोस्तों राइट ऑप्शन बी, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का चुनाव कौन, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों सी, मंत्रियों का परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। तो भारत का पहला नागरिक कहा जाता है दोस्तों राष्ट्रपति को, और भारत में राज्य का पहला नागरिक जो कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तों राज्यपाल को। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान लोकसभा की, लोकसभा 2014 के बाद है। तो ये दोस्तों लोकसभा जो है वो हमारा राइट ऑप्शन बी, 16वीं लोकसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में राष्ट्रपति है। तो वर्तमान में राष्ट्रपति दोस्तों श्री रामनाथ कोविंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं किया गया। तो राइट ऑप्शन दोस्तों 46 का ए रहेगा हमारा, राजनीतिक दलों के नाम जो है वो नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों 47 का हमारा सी रहेगा, राष्ट्रपति जो है नामित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 48, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन ए रहेगा, राजेंद्र प्रसाद। सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन जो है इसके अंदर आए हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा बी रहेगा, सी राजगोपालचारी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम के अंदर पहले भी देखा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो राइट ऑप्शन ए रहेगा दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, राइट ऑप्शन डी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की स्मृति सूची में शामिल मामलों में कार्य करता है। तो राइट ऑप्शन 52 का सी रहेगा हमारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो राइट ऑप्शन 53 का डी रहेगा दोस्तों, डी आर अम्बेडकर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण अलग हो गया था। तो 54 का राइट ऑप्शन सी दोस्तों, मुर्शिद कुली खान जो थे वो अलग अलग हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में नहीं पहचाना नहीं जाएगा। तो राइट ऑप्शन दोस्तों 55 का डी, सॉरी ए, लॉर्ड कैनिंग, सॉरी लॉर्ड बी डलहौजी रहेगा, सॉरी दोस्तों सी रहेगा इसका, 55 का जो हमारा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, इसमें दोस्तों डाउट है क्वेश्चन में, राइट ऑप्शन इसका हमारा ए ही रहेगा, लॉर्ड कैनिंग रहेगा। और इसका दोस्तों जो 56 का है वो राइट ऑप्शन हमारा ए रहेगा, लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। तो राइट ऑप्शन दोस्तों ए रहेगा, इसमें दोस्तों दोनों में कन्फ्यूजन थी इसलिए मिस्टेक हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा। तो राइट ऑप्शन सी दोस्तों, नाना साहेब ने। वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑप्शन कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपद विधि है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों ए रहेगा, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना उपयोगी विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एड्यूसेस्ट के क्या अभिप्राय है, तो ये दोस्तों एक मानव निर्मित उपग्रह है, भारतीय उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 60, 55 और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है, तो राइट ऑप्शन 60 का डी रहेगा, कबीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एलोरा की गुफा बीति चित्र जिसमें विष्णु की नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में देखा गया, किसका कार जो है कृति है ये, तो राइट ऑप्शन डी दोस्तों राष्ट्रकूट काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है, तो राइट ऑप्शन सी दोस्तों ब्राह्मण समाज, जैसे कि आंसर लगा हुआ है राइट था। वात दिग्गज का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, तो 63 का दोस्तों राइट ऑप्शन ए वायु की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाह्य तक पहचानिए, तो राइट ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका रहेगा सी थरी, यानी जिसने जो सिंबल जो लगा रखा है दोस्तों 65 का सी वो राइट ऑप्शन रहेगा हमारा, प्रॉपर्टी मेटल बाहरी कोड और आंतरिक कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा नीचे दिए गए आरेख में पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा की ध्यान से देखिए और बताइए, तो दोस्तों ये हमारी जो है राइट ऑप्शन जो रहेगा 66 का वो डी रहेगा, चंद्र ग्रहण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है जो कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों, ये जो 67 का राइट ऑप्शन ए रहेगा विसर्प, और इसका दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइए राइट ऑप्शन। इस प्रकार की जब आकृति बनती है तो वो ज्वार भट्टा बनाती है या चंद्रमा बनाती है या क्या बनाती है दोस्तों, इसका आप हमें कमेंट में जरूर बताइए राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 68 का हमारा है, 68 अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन जल कपड़े दवाओं के वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहतर उपयोगी है, तो राइट ऑप्शन 68 का सी वायु मार्ग, वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय में संबंधित है, तो राइट ऑप्शन दोस्तों 69 का हमारा ए रहेगा, जनसंख्या की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 70 का सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के 2 घंटे बाद अस्त होता है, यह सही है दोस्तों, और अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है, तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा ए रहेगा, एक जो है वो सत्य है और दूसरी लाइन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत है, तो राइट ऑप्शन दोस्तों 71 का हमारा ए रहेगा, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है, तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन जो रहेगा 62 का बी रहेगा, पिसिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो राइट ऑप्शन दोस्तों 63 का जो रहेगा वो हमारा संकरा भाग जल संधि का जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका दोस्तों इन दोनों में से है, तो इसमें थोड़ा डाउट है, खाड़ी कहते हैं या स्थल संधि कहते हैं, सॉरी जल संधि कहते हैं, तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हमारा वैसे बी ही रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कौन सा महाद्वीप जो है वो आकार में सबसे छोटा है, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है जो आकार में सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों उस स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल होता है, तो 75 का दोस्तों हमारा ए रहेगा, इतिहास भूगोल राजनीतिक विज्ञान अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हमारा 68 जो रहेगा, 68 का दोस्तों राइट ऑप्शन जो रहेगा अनुभवजन्य साक्ष्य है, तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन सी रहेगा। अभी तक दोस्तों इतने आंकड़े हमें राइट मिले हैं और इसमें दोस्तों कुछ एकाधा क्वेश्चन गलत हो गया, तो उसके लिए माफी चाहूंगा दोस्तों, इसकी 100% एक्यूरेसी के साथ की हम बाद में भी अपडेट करेंगे, कुछ जो आंकड़े इसमें एकाधिक गलत होंगे तो और सारे क्वेश्चन अपडेट करेंगे, तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। एस्टेट से रिलेटेड साइकोलॉजी की जो है हम क्लास जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।